मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, करीब 2 महीने चले लोकसभा चुनाव के बाद, अब कुछ घंटों के बाद ईवीएम खुलेगी। 543 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब से कुछ घंटों के बाद होना है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने तस्वीरें काफी हद तक साफ कर दी। हालांकि ये अंतिम नतीजे नहीं है, आखिरी नतीजों में अभी कुछ घंटे का वक्त बाकी है। नतीजों से पहले सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक के बाद एक लगातार तकरार सी बढ़ती गई है। विपक्ष के नेता पहले से ही ईवीएम पर संदेह जता रहे हैं। अब नतीजे आने से पहले इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल लगातार एक के बाद एक उठ रहे हैं। चुनावी इतिहास में पहली बार नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अंदाजा लगाइए। और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम, बैलेट पेपर की गिनती, वोट प्रतिशत बढ़ने से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हिंदुस्तान की जनता के सामने रखे, जिसे विपक्ष की ओर से बार बार यह मुद्दा उठाया जा रहा था कि इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का मानना है कि हमारे खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया गया, जिसे समझने में हमसे भूल हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस आरोपों का जवाब भी दिया, जिसमें जयराम रमेश ने कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह ने 150 डीएम को धमकाया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आखिर क्या आरोप लगाए थे और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने क्या जवाब दिए, मैं दोनों को सुनवाना चाहता हूं। दोनों को सुन लीजिए। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे, निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, दो दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के दो दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। देखिए, ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरोस को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता।